इच्छामि क्षमा तमलो वंदी नामे जाय इति दिया है हमको नो नामे इच्छामि क्षमा तमलो वंदी हो जानी जाय इति दिया है हमको नो नामे इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संगम यात्रा निर्वह छोति स्वामी सदा चेरी दे गुरु बसाए इच्छामि क्षमा तमलो वंदी हो जानी जाय इति दिया है हमको नो नामे इच्छा कारण संधि सौ भगवान अभूत योमी अभ्यंतर राइयम खामे हो कम खामे मी राइयम जमकिन जी अपत्य परपत्य भद्दे पाणे विनिये वेया वच्चे आलावे संलावे उच्चासाने समासाने अंतर भाषाए उरी भाषाए जमकिन जी मध्य विनय परिहिनम तुहुं वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि प्रसन्नामि नक्रम इच्छा करे ना संधि सो भगवान वायना लेशु इच्छामि क्षमा समो वंदी हो जामे जाय नित्य लियाय मते एनो नाम इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी नमो हरिहंतानंदम सिद्धानम नमो हरियानम नमो वज्जायानम नमो लोय सर्वसा एसो पंच नमो कारु सर्व पापम मंगलानम च सर्वेषिं परमं जय जगदेव जोड़ी पेयानो जगगुरु जगानंद जगदाम जय सुयान भवो जय जय गुरु लोगान जय कल्याण विश्वांगोदर विदेव वंदेहं ज्ञातनंदनं सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानते मीरांधानं ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै मतेन वंदामि साहेब जी आज मैं करूंगी समरी। हाँ तो लास्ट का। हाँ जी विंडो बंद क्यों रखा है साहेब जी? ओ हाँ सॉरी साहेब जी। हाँ निचा भी दुक्रम साहेब जी। लास्ट क्लास में हमने सीखा मोनिय कर्म सबसे भारी है। हम जितने भी कर्म उपार्जित करते हैं उसका कारणीभूत निमित्त मुख्य रूप से मोहनीय कर्म ही है। मोहनीय कर्म की ब्रांचेस बनके दूसरे सात कर्मों को बंधाती है। जिसका जितना मिथ्यात्व कषाय मोह कषाय वेद मोहनीय पावरफुल है उतने ही प्रमाण में कर्म बंधेगा। हमें अवेयरनेस लाके उसका उपार्जन न करके उस पर कंट्रोल करना है और उसके नीचे दबे हुए मुख्य मूलभूत गुणों में हमें स्थिर रहना है। जैसे कि सत्य निष्ठा समता नम्रता सरलता का गुण बढ़ाना है। हमें लगता है जब महाविद्यालय में जाएंगे वहां क्लेश कषाय नहीं होगा, वहां पर भी हर रोज क्लेश कषाय राग द्वेष होते हैं। स्वर्ग में भी देवी देवताओं में भी वही राग द्वेष क्लेश कषाय है, वहां पर भी मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां ही है। संसार ऐसे ही चलता है, क्लेश कषाय संसार में यूनिवर्सल और यूनिफॉर्मल है। कर्म हम बांटते हैं तो हमें ही भुगतना है, कोई दूसरा आके भुगतने वाला नहीं है। 28 कर्म के मोहनीय कर्म के नीचे दबे हुए 28 कर्म के मूलभूत गुणों को हमें पहचानना है। नियम है
जितने आत्मा के गुण होते हैं उतने उसके ऊपर उतने ही आवरणीय कर्म होते हैं। जितने प्रमाण में आत्मा के कर्म है उतने ही प्रमाण में आत्मा के गुण है। जितने गुण की ब्रांचेस है उतने ही कर्म की भी ब्रांचेस है। कर्म का काम गुणों को घटाना, दबाना, ढकना, प्रकट होने से रोकना, गुणों को विपरीत विकृत करना है। जैसे कि आत्मा का बड़ा गुण केवल ज्ञान है, उसपे केवल ज्ञानावरणीय कर्म ने आत्मा के उस गुण को 100% रोक दिया है। मोहनीय कर्म ने आत्मा के बड़े गुण वितरकता के गुण को ढक दिया है, प्रकट नहीं होने देता है और दबा के उल्टा ही कर रहा है, राग द्वेष करा रहा है। जब तक मोहनीय कर्म रहेगा न तो हमें भगवान बनने देगा, न वितरागी बनने देगा, न केवल ज्ञान होने देगा, न केवल दर्शन होने देगा और न मोक्ष में जाने देगा। मेडिटेशन इज आत्मा में पड़े हुए गुणों का सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस करना है। कर्म उदय में आना यानी जैसे कि पतेली में दूध उभरते उभरते आता ही रहता है, समुद्र के टाइड वेव उछलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा में कर्म कॉन्स्टेंटली उछलते रहते हैं। आत्मा में दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं और चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने पूरा ही लिख लिया है, सब लिख लिया है आपने, धन्यवाद। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर मोहनीय कर्म, आप देखिए मोहनीय कर्म के इधर हमने 2 डिवीजन किए साहब। अब आपको सबको ही मालूम है मोहनीय कर्म के टोटल प्रकृति जो है वो कितनी है, कुंजल बहन कितनी है? क्या बोल रहे हैं आप, नींद में है कि जाग रहे हैं? नहीं नहीं 28। हाँ, मोहनीय कर्म के 28 प्रकृति में हमने इधर डिवीजन किया है 2 विभाग में। अब इधर जो है चोरडिया जी, ये साइड में इधर कितने लिखी हूँ और इधर कितने लिखूं, बोलिए। दर्शन मोहनीय में 3, चैत्र मोहनीय में 25। वेरी गुड, आपका भी फर्स्ट प्राइज आया। बोलेंगे रीटा बहन, आप बोलना चाहते हैं? हाँ साहेब जी, दर्शन मोहनीय में 3 और चारित्र मोहनीय में 25। वेरी गुड, चलिए। अब किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, देख रहे हैं आप इधर, इसमें कितनी कम है, इसमें इतनी ज्यादा है। तो कम वाले का जोर ज्यादा रहता है कि ज्यादा वाले का जोर ज्यादा रहता है? पावर जो ताकत है वो ताकत किसकी ज्यादा है? बोलो, ये 3 वाला है, ये 25 वाला है, दोनों में ताकत किसकी कम ज्यादा है? 3 वाले की ज्यादा महाराज। हाँ, 3 वाले की ज्यादा है, ज्यादा है, क्योंकि उसमें महाराज के मिथात्व मौनी है, मिथात्व मौनी है। महेंद्र भाई क्या बोलेंगे आप? दर्शन मोहनीय नहीं बता रहता अच्छे, कहीं के मिथ्या तो मोहनीय आ जाए, मिश्र मोहनीय अने सम्यक्त्व मोहनीय। अभी पहले आपको क्या बताना है नीति बहन, आपको ये बताना है दोनों का कार्य क्षेत्र क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोथ द प्रकृति। अब इसका काम क्या है ये बताइए, इधर इसका काम क्या है? जी महाराज जी, जो दर्शन मोहनीय है वो सत्य को मानने ही नहीं देता और जो चरित्र मोहनीय है वो आचरण करने ही नहीं देता। तभी फर्स्ट प्राइज है। अब ये जो काम कर रहा है इसका काम है मानना और इसका इधर का काम है आचरण करना, बस ये दोनों के वो काम। अब आपको ये देखना है कि ये प्लस में है कि ये माइनस में, ये प्लस में है या ये माइनस में, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है। एल्सा बहन 4 डिवीजन करके बोलिए तो। हाँ, तो दर्शन मोहनीय कर्म पॉजिटिव है और चारित्र मोहनीय भी कर्म पॉजिटिव में है तो सबसे खराब केस है, बिकॉज दोनों बड़ा हुआ है। फिर दर्शन मोहनीय नेगेटिव रहेगा और चारित्र मोहनीय पॉजिटिव रहेगा,
तो वो दर्शन मोहनीय मानेगा तो नेगेटिव नहीं मानेगा बट आचरण कर लेगा, दर्शन मोहनीय पॉजिटिव रहेगा और चारित्र मोहनीय कम रहेगा तो मानेगा बट आचरण नहीं कर पाएगा, और दोनों जब कम रहेगा जैसे दर्शन मोहनीय भी कम रहेगा और चारित्र मोहनीय भी कम रहेगा नेगेटिव रहेगा विच इज द बेस्ट सिनेरियो बिकॉज वो कम कम रहेगा दोनों में. अच्छा, तो फर्स्ट सिनेरियो बोला कि अगर दर्शन मोहनीय ज्यादा रहेगा तो वो मानने ही नहीं देगा, मिथ्यात्व में रहेगा, और चारित्र भी ज्यादा रहेगा तो वो मतलब सबसे थोड़ा खराब सिचुएशन में है तो वो आचरण नहीं. आपकी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे आप, इधर यूज द प्रॉपर वर्ड्स बोथ द साइड. हाँ, तो मतलब वो आचरण में करने भी नहीं देता है. और सेकंड सिनेरियो आ गया कि मतलब दर्शन मोहनीय भी, दर्शन मोहनीय कम है और चारित्र आचरण अच्छा पॉजिटिव. ओके, तो मतलब दर्शन ये मानने वाला भी नहीं है. ओके, और सेकंड आचरण भी कम है, मतलब इसमें आचरण कर रहा है. देखो ये दर्शन मानने का. यूज द लैंग्वेज लाइक दी, दर्शन मोहनीय ज्यादा होने से मानेगा तो नहीं, फिर भी चारित्र मोहनीय कम होने से आचरण तो करता रहेगा. यूज दिस सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. नंबर थर्ड, ये तीसरा जो है अब उसका दर्शन मोहनीय माइनस में है तो मानने को तो तैयार है लेकिन आचरण में नहीं करेगा क्योंकि चारित्र मोहनीय प्लस में ज्यादा है सर, ये तकलीफ है. अब चौथा तो आप समझ ही जाते हो बहुत अच्छा है कि खराब है. कंपेयर विद द फर्स्ट एंड फोर्थ वन. तो फर्स्ट वन में अब मतलब दर्शन भी कम है, मतलब तो मान तो रहा है और आचरण भी मतलब सही कर रहा है. दर्शन मोहनीय कर्म भी ज्यादा है, चारित्र मोहनीय कर्म भी ज्यादा है, मानेगा भी नहीं आचरेगा भी नहीं. सबसे बेस्ट कौन सा है? फोर्थ वन. फोर्थ वन दर्शन मोहनीय भी माइनस में है, कम है, मानेगा अच्छी तरह से, और इधर ये क्या है, चारित्र मोहनीय भी कम है तो मानने के साथ साथ में बिहेवियर जो है उसका आचरण अच्छा करता रहेगा. ये चारों को बरोबर आप चार सेंटेंस के एग्जाम्पल में लिख सकते हो क्या, वो पहले आपको देखना है. इफ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गिव विद एग्जाम्पल. नीति बहन, आप एग्जाम्पल के साथ बोल सकते हैं? जी महाराज जी, ट्राई करते हो. जिस जीव में दर्शन मोहनीय कर्म ज्यादा है वो यथार्थ में मानेगा नहीं, और मोहनीय कर्म भी ज्यादा है तो वो आचरण भी नहीं कर पाएगा. मैं ये कह रहा हूँ कि गिव द एग्जांपल, जस्ट फादर एंड सन, बोलिए सास और बहू. अब बाप और बेटे दोनों के अंदर क्या एग्जांपल कैसे देंगे आप? नहीं महाराज जी, नहीं बता पाऊंगी. बेटा ये कहेगा, पापा मैं आपकी बात मानता भी नहीं हूँ और आपकी बात में के प्रमाण में मैं बिहेवियर करता भी नहीं. आई एम नॉट रेडी टू बिलीव एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, आई एम नॉट रेडी टू ओबे योर ऑर्डर, आई विल नॉट डू एनीथिंग. अब सेकंड वन में क्या है, आपके कितने बेटे हैं, दोनों में से कौन क्या जवाब देगा, कैसा जवाब देगा? तो ये क्या कहेगा सेकंड वन, कहेगा पापा मैं आपकी बात मानूंगा तो नहीं, बट आई विल फॉलो योर ऑर्डर. इफ यू विल गिव मी सम एनी ऑर्डर फॉर एनी अदर वर्क, आई विल फॉलो, नो डाउट. थर्ड वन क्या कहेगा, पापा मैं आपको मानूंगा सही, लेकिन आई विल नॉट बिहेव इन एनी ऑर्डर, मैं करूंगा तो नहीं काम सर. ये बात वो अलग ही ढंग से करने लग गया. अब दोनों के अंदर अलग अलग बात आ गई. अब ये जो है माइनस में चल रहा है ना, इसलिए बात है.
Fourth one is the good child. Now see what type of child you have. He said that, Papa, Mummy, मैं आपको बात जरूर मान, मैं आपको भी मानता हूँ और आपका कहा हुआ सब काम करूँगा सब. Now as a mother, Niti Ben, what type of child you like? आपको एग्जाम्पल देना है तो वो एग्जाम्पल कैसा दे सकेंगे दीपक भाई बोलो. यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था बाप बेटे का. नाउ यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ गॉड एंड डिवोटी पर्सन. बोलेंगे दीपक भाई बोलो. ભક્ત અને ભગવાન આ બે ની વચ્ચે નો સંવાદ. ભક્ત ભગવાન ને માને છે અને આચરણમાં બી મૂકે છે, ભક્તિ બી કરે છે. એટલે ફર્સ્ટ વન, ફર્સ્ટ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ફર્સ્ટ, ભગવત ભગવાન ને માને છે અને ભગવાન ની ભક્તિ પણ કરે છે, એટલે આચરણ કરે છે. આ કર્મ પ્લસ માં છે, આ પણ કર્મ પ્લસ માં છે. એટલે ભગવાન ને શું કહેશે, દર્શન મોનીએ મેં આપકો નહીં માનતા હું, આઈ એમ નોટ રેડી ટુ બિલીવ ધ ગોડ ઇઝ એક્ઝિસ્ટિંગ વોટ એવર સે મે બી, માનતા ભી નહીં હું, એમ આઈ નોટ ફોલો યોર રિલીજન આલ્સો, આઈ વિલ નોટ ફોલો એટ ઓલ. સેકન્ડ વન, યહી ભક્ત ભગવાન કો કહે રહા હૈ કે ભગવાન મેં આપકો માનુંગા તો નહીં, લેકિન મેં આપકા કહા હુઆ કુછ કુછ કર તો લુંગા સમજે. થર્ડ વન ક્યા કહેગા, ભગવાન ને માને છે પણ આચરણ નથી કરતો. બરાબર. ફોર્થ વન ક્યા કહેગા, ભગવાન ને માને પણ છે અને આચરણ પણ કરે છે. હવે દીપકભાઈ નો નંબર શેમાં છે, પહેલા નંબર માં છો, બીજા નંબર માં છો, ત્રીજા કે ચોથા? બિપિનભાઈ તમે બોલો, દીપકભાઈ તો નથી બોલવા. ચલો ઈમાનદારી સે બોલો, તીસરે નંબર મે કોણ હૈ, દૂસરે નંબર મે કોણ હૈ? ભગવાન ને માનું પણ છું અને ભગવાન ને માનું પણ છું અને આચરણ પણ કરું છું. ચલો હસુભાઈ તમે બોલશો ઈમાનદારી થી, ત્રીજા માં કોણ છે ને બીજા માં કોણ છે? જબ હમ ચેન્જ હો જાતે હૈ ઇધર સે ઉધર, આપ યે કર્મ સમજના હૈ બસ. સવાલ કિસકા હૈ, ઇધર સે યે તો હૈ પહેલા નંબર મેને ઇસકા લિખા હૈ, યે દર્શન મોહનીય કર્મ. अब ये अपनी तरफ से कैसा है, क्योंकि सबका कर्म अपने अपने हिसाब से है, संसार में अनंत जीव है. अब ये कर्म वाला जो है तो इसने भी तो कर्म बांध के रखा है, इधर इसने अपनी तरफ से कर्म बांध के रखे. अब इधर मैंने आपको क्या बताया कि इसकी 25 प्रकृति है और इसकी 3 है. चले इसका कार्य क्षेत्र अपने हिसाब से, इसका कार्य फंक्शनिंग से एरिया क्या है, मानना नहीं मानना, इधर क्या है आचरण करना है. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कर्म के घर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि ये जो है ये सम्यक दर्शन है और ये जो है ये अंदर आपका मिथ्या को पहुंची है. ये भी मानने की बात करता है और ये भी मानने की बात करता है. सर क्या फर्क है दो में? बोल के दिखाइए आप, ये क्या दोनों का एक ही काम है. साहब जी पहली स्थिति तो है कि जिसमें बहुत मजबूत गांठ है मिथ्यात्व की, दर्शन मोहन. क्या प्रश्न है, क्या पूछा गया है, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो आप? बरोबर जो पूछा जा रहा है पॉइंट पर दीजिए.
बिना बेन बोलसो उसमें मानना भी नहीं है और आचरण भी नहीं करना। जी महाराज सर, आप कहाँ चले गए वापिस पीछे, चलो ये निकाल। मिथ्यात्वी विपरीत मानता है और सम्यक दृष्टि डायरेक्ट मानता है, सही मानता है, सॉरी सम्यक दृष्टि व्यक्ति मानता है और मिथ्यात्वी व्यक्ति विपरीत मानता है। आधा मार का रहा है, अभी आधे नवकार गिनने पड़ेंगे, सही उत्तर आना चाहिए दूसरे का, आधा सही हुआ आधा गलत। तुम्हारी बाजू में काका बैठा थे? नहीं 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 है। चलो वर्षा बहन बोलेंगे आप। सम्यक दृष्टि यथार्थ मानता है, मिथ्या दृष्टि विपरीत मानता है। हाँ बहुत अच्छा, अभिनव इनका शब्द वापिस बोलिए। हाँ, सम्यक दृष्टि यथार्थ मानता है और मिथ्यात्व दृष्टि विपरीत मानता है। तो बस आपको इतना ही बोलना है, सम्यक दृष्टि जो मानेगा बिल्कुल सही मानेगा, मिथ्या दृष्टि जो मानेगा वो विपरीत मानेगा। तो ये आपको देखना है, आखिर मानने का काम तो एक ही है, दोनों को ही मानना है, क्या मानना है कैसा मानना है, बस इतनी सी बात है। जो है उसको वही कहना ये यथार्थ है, जो जैसा है वैसा ही कहना यथार्थ है, और जो जैसा नहीं है वैसा कहना उल्टा है, विपरीत है। शरीर को आत्मा कहना ये कहेगा, या आत्मा को शरीर कहना या शरीर को आत्मा, ये मिथ्यात्व कहेगा। और आत्मा को ही आत्मा कहने का काम सिर्फ जो है सम्यक दर्शन का है, बस इसका इतना ही काम है साहब। ये स्थिर बुद्धि से फिक्स हो गया, ये अब बदलेगा नहीं साहब। जब सम्यक दर्शनी को मानने की बात आएगी वो कहेगा हाँ साहब फिक्स हो गया, मैं इतना ही मानता। तो यज्ञ सत्य कहाँ आया, क्यों आया, ये ऐसा दो डिवीजन क्यों हो रहा है, बोलिए मेहता जी ये कैसे। कर्म के आवरण के हिसाब से हाँ मान्यता, उसकी जो उपयोग होता है वो कर्म है। पहले बात यह है, ये नेचुरल ओरिजिनल आत्मा का गुण है, ओरिजिनल गुण सत्तागत गुण, ये सम्यक दर्शन सबका है। जब इसके ऊपर ये आवरणीय कर्म आ गया है इसके ऊपर, अब ये मिथ्या हो गया, अब ये नष्ट हुआ कि दबाया, नष्ट हुआ कि ढक गया, ढक गया तो ये आवरण से ढक गया, जब गुण नहीं होगा तो ढकेगा क्या। हाँ आवरण मतलब क्या, मैंने अभी ये देखी, ये मैंने आवरण किया तो अब फेस नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये आवरण कौन करता, कैसे करता। हाँ तो गुण है तो आवरण, आत्मा के गुण है तो कर्म है, कि कर्म है तो गुण है, गुण है तो ही कर्म है, कर्म है तो गुण क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। ऐसा भी बोलो जो दबा हुआ है नीचे वही नहीं रहेगा तो फिर ऊपर लगेगा ही नहीं ना कुछ। गुण ओरिजिनल है, गुण नेचुरल है, कर्म ओरिजिनल नेचुरल नहीं है। कर्म तो हमने बाहर से लाके बांधे हैं ना, मूलभूत कौन है आत्मा के, मूल में तो कौन गुण ही है, गुण ही नहीं हो, गुण ही नहीं होते तो कर्म कहाँ से आते चले के नहीं। तो जब गुण है तो निश्चित रूप से कर्म आएंगे आएंगे, कर्म बंधेगी, क्यों बंधेंगे कर्म, क्यों आएंगे कर्म। अशोक भाई बोलो कर्म क्यों आएंगे, कारण क्या है। आत्मा अपने गुण से विपरीत आचरण करेगी तभी जाकर कर्म आएंगे, तो आप उस गुण को क्यों डरता है कर्म, उसी गुण का आपने विपरीत आचरण किया है। जिस गुण का विपरीत आचरण करोगे उसी गुण पर आवरणीय कर्म आके बैठे चिपके गए कि नहीं। तो ये दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना है, नेचुरल ओरिजिनल गुण है। अब हुआ क्या है, कर्म के आवरण से ढक गया इसलिए ये क्या करेगा, तो मानने का ही कारण गुण ही मानने वाला है, लेकिन वो विपरीत मानेगा। अभिप्रीत मानेगा तो उसकी लैंग्वेज सब उल्टी हो जाएगी, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, लोक नहीं है, परलोक नहीं है, 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 करते रहो।
वो हमेशा जब तक जो है वो कर्म रहेगा वहां तक वो नहीं है नहीं है नहीं है करता रहेगा। आत्मा ये कर्म है इसलिए वो कर्म बांधता है, साइक्लिकल जो कंडीशन खड़ी हुई है। वो बराबर है, वो साइकिल है, आप कर्म है समझे कि सत्ता में पहले से ही है, निगोद में तब से ही है, बिना कर्म के तो आत्मा संसार में थी नहीं, आज भी नहीं है, आज भी अनंत अनंत जीव जो निगोद में सभी कर्म वाले, लेकिन कर्म आए किस पर, ओरिजिनल गुण थे तो आए, अभी यहाँ पर शक्कर है तो चीटी आएगी, नहीं है तो क्यों आएगी, खाने का कुछ है तो कोई जीव आएगा, तो यहाँ पर भी हम इसके साथ यही जोड़ रहे, ओरिजिनल मूल में सत्ता में गुण है तो कर्म आएंगे, ये बात फिक्स हो गई। अब कर्म आए तो जो गुण था उसी के ऊपर आवरण है, तो गुण क्या था, मानने का था, तो क्रिया तो मानने की होगी, लेकिन क्या मानना क्या नहीं मानना वो विवेक गया, इसलिए उल्टा हुआ, नहीं मानना है वो मानेगा, उल्टा मानेगा, शरीर को आत्मा बोलेगा, आत्मा को शरीर बोलेगा, होते हुए ना बोलेगा, आत्मा है उसको बोलेगा नहीं है, मोक्ष है उसको बोलेगा ना, अब जगत में जो है ही नहीं उसको ना कैसे बोलेगा, खरगोश के सिर पर सिंह नहीं है तो ना थोड़ी बोलने का प्रश्न आएगा। हाँ अब इधर देखिए ये काम किसका है, इधर ये ज्ञानात्मक है, ये कर्म ये विभाग जो है ये ज्ञानात्मक विभाग है और इधर ये क्रियात्मक विभाग। अब ये क्रियात्मक होने से आचरण पर जा रहा है, ज्ञान विपरीत हो गया तो ये जाकर के विपरीत पर ही मान्यता बना बैठा है। अब क्या होगा दोनों के अंदर, इधर ज्ञान और इधर मानना है, इधर क्रिया और इसका आचरण करना है। अब आप इन दोनों के बीच में हिसाब करके देख लो, अब आपको ख्याल आ जाएगा नंबर एक, यहाँ पर जानते हुए भी नहीं मानना, नंबर दो जानता भी है और मानता भी है, ये दोनों प्लस वाले हो रहे। नंबर तीन नहीं जानता है, और फिर भी मानता है। नंबर फोर ना तो जानना है और ना मानना है, दोनों ही बात छोड़ दो। बोलेंगे वर्षा बहन आप चारों बोल सकते हैं, नहीं चलो रीटा बहन बोलिए, साहिब जी जानता भी है और लेकिन नहीं मानता है, दूसरे में जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है, तीसरे में नहीं जानता है लेकिन मानता भी नहीं है, और चौथे में नहीं तीसरे में मिस्टेक हो गई, तीसरे में नहीं जानता है, दूसरे में जानता भी है और मानता भी है, तीसरे में नहीं जानता है और नहीं जानता है लेकिन मानता है, और चौथे में नहीं जानता है और नहीं मानता है। चलो आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा वो जानता है लेकिन कम मानता है। आपके हस्बैंड कैसे हैं? मेरे हस्बैंड जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है। और आप कैसे हैं? जानती भी हूँ और मानती भी हूँ। ये सब कैसा ग्रुप तैयार हो गया? अलग अलग है सब लोग, सब अलग अलग है, एक फैमिली के अंदर एक फैमिली के सब अलग अलग। अरे भगवान, तो सब एक इकट्ठे एक कैसे एक जैसे कैसे होंगे, बोलो क्या जादू करेंगे आप? अशोक भाई समझाऊंगी, समझाएंगे, चलो ठीक है। अशोक भाई जरा काकी से पूछो तो बनने जरा के बात छो। ओ
काफी नवाद करवाने को चुकेला मैं मानती भी हूँ और जानती भी हूँ। चलो वेरी गुड। मैं काका तमें के बात हो अजी द्विधा मां छू पहला मत नहीं एक नंबर में दो नंबर में तीन नंबर में किसमें हो आप पर्याय बदलाया करो छे घणी वार शंका उभी થાય છે પર્યાય બદલવાની વાત ના કરો કાંતિભાઈ તમારે તો બધા એક જ ગ્રુપ માં છે આખી ફેમિલી બધા જુદા જુદા છે પણ અ માનવાની વાતમાં માનને કી બાત મે તો સબ અલગ હી હૈ મારા સાહેબ લેકિન મેરા તો દૂસરે નંબર મે હૈ अरे एक फैमिली किसकी ऐसी है कि सब दो नंबर पे आते हैं ऐसी फैमिली किसकी है बोलो चंद्रेश भाई तुम्हें हाथ ऊपर कर दो वो भी ना बोलते हैं चलो निधि बहन आप नहीं चलो माता जी आप भी आप देखो माता जी आप सब पूरी फैमिली जो है सब मेंबर जो है दो नंबर में है नहीं साहब जी नहीं ये भी नहीं है चोरडिया जी अब आपकी हैं महाराज अब महाराज के भी प्राइस बड़ा प्राइस मिल रहा है नहीं पूरा प्राइस है था नहीं पूरे रूप से नहीं है महाराज बच्चे लोग कोई मानते हैं कोई नहीं मानते कैसे बोले जिसको भी हो सर जिसकी फैमिली में सभी मेंबर दूसरे नंबर के हो एलिजाबेथ बोलो एलिजाबेथ बोलो फर्स्ट प्राइज आ जाए आपको अफगानिस्तान वाले अब ये तकलीफ क्यों हो रही है बोलिए पारुल बहन किस पे नंबर आता है आपका सर जी जानते भी है और मानते भी है सब ऑल फैमिली है तो वन नंबर यस वेरी गुड फर्स्ट प्राइज जो है पारुल बहन को फर्स्ट प्राइज जाता है आज चलिए साहब धन्यवाद एक तो फैमिली निकले सब अब ये चक्कर किसका है ज्ञान का और जानने का है सब देखने अब लेकिन हम ये देख रहे हैं इधर दर्शन मोनिया इधर ज्ञान इधर चारित्र मोनिया अब इसका कितने प्रमाण में कैसा आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है नंबर एक वाला ये नंबर एक वाला जो है विद्यात्र मोनिया अब इसको जो है हम ना नहीं कह सकते मानता जरूर है लेकिन क्या मानेगा अब कैसा मानेगा किस प्रकार का मानेगा तो इसकी मान्यता तो है और जब ये यहाँ से मेहनत करके यहाँ पर आ गए अब चौथे गुण स्थान पर आ गए अब इसने समय दर्शन प्राप्त कर लिया अब ये इसकी जो है श्रद्धा बन गई अब ये श्रद्धा बनने के कारण अब जो मानना है वो सत्य ही मानना है अब ये और ये दोनों अपोजिट हो गए सर बिल्कुल विपरीत हो गए ये जो है बिल्कुल विपरीत मान्यता वाला है तो इसका उल्टा चलेगा सब कुछ में और ये बिल्कुल सत्य ही मानना है इसका भी मानने का है इसका भी मानने का है लेकिन फर्क कितना है अब आ गया ख्याल में ये चौथे गुण स्थान पर आप यहाँ पर पहुंचाए और जैसे ही आप इस स्टेप आगे चले जाओगे अब यहाँ पर आचरण शुरू हो जाएगा अब यहाँ जो आचरण करेगा वो बहुत अल्प करेगा थोड़ा सा करेगा कम करेगा प्रमाण में और जैसे एक कदम आप आगे चले गए तो छठे गुण स्थान पर अपूर्ण आचरण करेगा अब यहाँ फर्क क्या है क्या आचरण पूर्ण करना है इधर कौन सा आचरण पूर्ण करना है इधर कौन सा आचरण कैसे करना है उसमें दो में फर्क देखना है आपको तो ये जो देखने का है आपको क्या देखना है तो पूर्ण आचरण में सभी पाप पूर्ण रूप से नहीं करने का मानस बनाया महाव्रत लेके पचकान बनाया अभी ये आचरण करेगा लेकिन थोड़ा 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 चलेगा यहाँ आचरण नहीं है इसकी
आचरणीय है लेकिन श्रद्धा भक्ति है, मानना पक्का है। अब आप देखेंगे बिना माने आचरण करने जाएगा तो यहाँ आ जाएगी तकलीफ, है ना। तो ये मिथ्या मति है, अब इसको कोई आचरण से मतलब नहीं है, ये आचरण की बात कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा साहब, जब उसका मान्यता ही विपरीत चल रही है, सब कुछ मानना उल्टा विपरीत चल रहा है तो आचरण भी उल्टा ही चलेगा। इधर आचरण मान्यता सीधी सही हो गई तब जाकर आचरण सही होगा, तो यहाँ डिवीजन अलग कर दिया था क्या लाए? तो यहाँ पर इसने क्या किया था कि अब सम्यक ज्ञान जो है यहाँ पर, अब ये सम्यक ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ाएगा वैसे वैसे इसकी जो है मान्यता कम होगी घटेगी, नहीं तो नहीं। जब तक अपनी सम्यक ज्ञान से नहीं लेगा, और ये सम्यक ज्ञान का भेद आ गया वो यहाँ आपको सम्यक दर्शन में पहुंचा देगा। तो सम्यक दर्शन तक आपको लाना है दोनों ही काम, सब मिथ्या तो ये मोहनीय कर्म के अंदर ही है। यहाँ से आपका जो है ये डिवीजन हुआ चारित्र मोहनीय कर्म, यहाँ से यहाँ तक अभेद और दर्शन मोहनीय कर्म ही चल रहा है, इधर भी चल रहा है, लेकिन यहाँ आते ये बाउंड्री इसकी पूरी हो गई, अब जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म क्षय हो रहा है, कम हो रहा है, दब रहा है, इसलिए अब जो है उसकी निष्ठा बढ़ गई, सत्य की तरफ झुक गया है, पॉजिटिव माइंड यहाँ शुरू हुआ है। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक बिल्कुल नेगेटिव माइंड था, और यहाँ आने पर अब जो है वो बरोबर पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव बनने के कारण अब उसकी मानना वगैरह जो है वो बिल्कुल सही सत्य की दिशा में आ गए, है तो दर्शन मोनी, लेकिन अब यहाँ से यहाँ आया तो तीन तो घट गई माइनस में गए, तो इधर की भी जाएगी सर, तो दोनों को मिलाएंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इधर क्या है कि समय दर्शन में आना है, तो इधर की आपको ये चीज लेनी पड़ेगी मिथ्या, इधर से आपको लेनी पड़ेगी चारित्र मोनी की चार, आपको लेनी पड़ेगी ये आपको चार कौन सी लेनी है, अनंत बुद्धि कथा की। तो ये इस तरह से जो है ये सात शर्म प्रकृति अब आप घटाएंगे तब जाकर के अब आपका मानना सही होगा। जब यहाँ से मानने में आपका पॉजिटिव अप्रोच शुरू हो गया अब आपका आचरण शुरू हो जाएगा, अब उसका माइंड पॉजिटिव बन गया है, अब थोड़ा थोड़ा पाप करना कम करेगा, थोड़ा थोड़ा पाप का आचरण करता जाएगा, अब धर्म की दिशा में मुड़ता जाएगा, जो पाप उसको छोड़ना बहुत कठिन डिफिकल्ट लग रहा था अब वो थोड़ा थोड़ा भी पाप छोड़ने को एक्सेप्ट करेगा, तैयार हो जाएगा, हाँ सर मैं करने को तैयार हूँ, मैं तैयार। तो धर्म क्रिया यहाँ से शुरू होगी। इधर देखिए यहाँ पहले तक क्या था, तो ऐसी स्थिति में यहाँ तक कौन आए, अब मान लो कि ये श्रेणी महाराजा है, अब ये श्रेणी महाराजा आए तो श्रेणी महाराजा का कौन सा हुआ, 28 में से ये तीन प्रकृतियां गई दर्शन मोहनीय की बनी, तो श्रद्धा हो गई, श्रेणिक राजा सम्यक दृष्टि हो गए, अब चारित्र मोहनीय नहीं गया, आगे नहीं बढ़े, तो आचरण नहीं किया, श्रेणिक महाराजा ने सामायिक नहीं की, नवकाशी नहीं की, चौविहार नहीं किया, रात्रि भोजन का त्याग नहीं हुआ, यो सब यहाँ शुरू होता है, ये पांचवा गुण स्थानक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, पांचवें गुणस्थान का नाम इष्टवृत्ति। इष्ट शब्द का अर्थ क्या है, अल्प प्रमाण, हाँ पार्शियली, थोड़े से प्रमाण में थोड़ा थोड़ा भी, लेकिन पॉजिटिव बन तो गया ना, थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू तो कर रहा है ना, तो ये उसका आचरण होना शुरू। अभी तक यहाँ तक जो था चलो थोड़ा उसका मानना सुधरा, थोड़ी मान्यता सुधरी, अभी ये नीति बहन क्या कहते हैं,
मैं अब दोनों बेटों को धीरे धीरे समझाऊंगी, धीरे धीरे समझाऊंगी, सब तब जाकर के पहले मंदिर ले जाएंगे, फिर दर्शन करना शुरू करेंगे, फिर धीरे 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 ऐसे ही। रीता बहन आप भी कर सकते हैं? हाँ सर जी। हाँ चलो, आप भी धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा, पति को भी बदल देंगे, बेटों को भी बदल सकते हो, हर कोई अपने अपने परिवार में शुरू करिए। अब देखिए, संस्कार देना तो पेरेंट्स का काम है, अब माँ बाप संस्कार नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा था? इसलिए हम क्या करते हैं, बचपन से ही बेटा जब से नहीं मानता है वहां तक संस्कार डाल दो। अब उसकी खुद की बुद्धि विकसित होने लगे उसके पहले ही संस्कार डाल दो साहब, वो संस्कार कहाँ मेमोरी में सेट हो जाएंगे साहब। अभी आप ये मत सोचना नहीं वो जब बड़ा हो जाएगा खुद समझेगा करूँ कि नहीं करूँ तब उसको करने देंगे, ये गलती मत करना आप, क्या कि नहीं। आपका कर्तव्य, यू आर द पेरेंट, व्हाट इज योर ड्यूटी, आप पेरेंट्स हैं, आपका काम है बच्चा इधर उधर का कुछ भी गलत समझे गलत सीखे उसके पहले ही उसके अंदर आचरण के संस्कार डाल। श्रद्धा देना माँ का काम नहीं है, श्रद्धा के संस्कार डालना बाप के काम नहीं है, वो उसके मिथ्या तो मोनीय कर्म पर है। लेकिन माँ बाप ने जन्म दिया है तो वो पेरेंट्स जो है वो संस्कार दे सकते हैं बचपन से ही। अभी तो बच्चा छोटा सा है, गोद में ला करके उसको आप मंदिर में ले आते हो, दर्शन कराते हो, आप मंदिर में उसके हाथ से भंडार में एक रुपया डलाते हो, या किसी गरीब को उसके हाथ से जो है एक केला देने के लिए खिलाते हो। छोटा सा है बच्चा, आप अभी क्या बोलोगे, नहीं नहीं अभी क्या समझता है, अभी तो कुछ भी नहीं समझता है, अभी तो कुछ भी नहीं जानता है। आप उसकी चिंता मत करिए, आप मेमोरी सेट कर रहे हो, उसकी मेमोरी के अंदर एक एक चीजें फिक्स कर रहे हो, क्योंकि वो बार 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 बच्चे को बड़े होने में 10-20 साल लग जाएंगे, वहां तक तो आपके संस्कार उसके अंदर दृढ़ हो जाएंगे, अंदर जो है सॉलिड हो जाएंगे। अब बड़ा होने के बाद वो मम्मी को बोलेगा, मम्मी अब मेरे को फॉरेन जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, वहां जाना है। अब माँ को भी विश्वास आएगा कि मैंने 20 बरस तक बेटे को संस्कार दे दिए हैं, अब वो दुनिया के किसी कोने में भी जाएगा तो वहां पर माँ को चिंता नहीं रहेगी, माँ जानती है कि नहीं उसके ब्लड में ये कल्चर संस्कार आ चुके हैं, तो जाकर के माँ निश्चिंत होगी। नहीं तो अनजाने में बाहर की दुनिया में एकाएक बेटा अलग से चला जाए तो माँ को हमेशा टेंशन होगा, क्या करेगा कैसा करेगा क्या, क्योंकि बाहर की दुनिया कैसी है सब जानते हैं, सबको मालूम है साहब, वहां स्लिप हो गए तो फिर क्या परिस्थिति हो जाएगी। तो बेटर है कि पहले ही उसको संस्कारों से ऐसा सुदृढ़ करके हम भेजें, सॉलिड संस्कार अगर उसके हो जाए तो अब वो दुनिया के किसी कोने में जाए कोई चिंता नहीं। अब ये हमको सबको करना पड़ेगा सर, है कौन सा है, सबका मोहनीय कर्म है। अब मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियां हैं, तो मोहनीय कर्म की प्रकृतियों में से पहले आप कौन सा शुरू करेंगे। भगवान महावीर स्वामी ने धर्म यहीं से सिखाना शुरू किया है, मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को घटाने का पुरुषार्थ करना ही पहला धर्म है। बोलिए वर्षा बेन, बोलेंगे आप, जस्ट रिपीट द सेंटेंस, बस। मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को घटाना ही सबसे पहला धर्म है। हाँ बस, तो यहाँ से आपको शुरुआत कर दी है समझे के लिए, हम कैसे घटाएं मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को, कैसे कम करें सर। तो ये पहला किसका हुआ, संस्कार का। अब मालूम है आपको, आपका बेटा भी जो है आया है संसार में वो भी मिथ्यात्व लेकर ही आया है। नियम क्या है पारुपेन, सभी जीव जो संसार में जन्म लेंगे वो मिथ्यात्व मोहनीय साथ में लेके ही आएंगे, पास्ट लाइफ से पिछले जन्मों से सभी अपना 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 मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म सब साथ में लेकर ही आते हैं। अब धर्म की जरूर है साहब, अब वो किस कुल में जा रहा है, किस गोत्र में जा रहा है, कैसे कुल में जा रहा है, कैसे घर में जा रहा है वो जीव, अब उसका पुण्य योग अच्छा है कि पेरेंट्स अच्छे मिल गए, अच्छे मतलब धर्मिष्ठ धर्म के संस्कार वाले मिल गए, तो पेरेंट्स ने जो है उसको
तो वो धर्म के संस्कार लाने हैं उसमें। अब जैसे जैसे संस्कार लाने के लिए पुरुषार्थ करेगा तब जाकर के बात बनेगी सब। आपने अगर ऐसे पेरेंट्स आपने अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाया, कोई ड्यूटी अगर आपने नहीं की साथ, क्या लें नहीं 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 अब बच्चा बड़ा होगा जब वो देखेगा वो आपको उसको जो ध्यान में आएगा करेगा सब, नहीं ये गलती नहीं करनी है। ऐसे पेरेंट्स हमारा कर्तव्य है, हम अपनी तरह से उसको सही ढंग से संस्कार दे दें। आप आचार के संस्कार दे सकते हो, आचरण के संस्कार, और इधर मालूम है कि सम्यक दर्शन मिलेगा तो सम्यक ज्ञान से ही मिलेगा, उसके बिना तो विकल्प नहीं है। इधर से आप सम्यक दर्शन के लिए सम्यक ज्ञान देना शुरू करिए। आप अब बच्चे को बचपन से नौकार सिखा दी, जन्मते ही नौकार सिखा दिए, नौ तत्व सिखा दो, पदार्थ सिखा दो, भगवान के नाम सिखा दो, आप कुछ ना कुछ उसको ज्ञान देते जाओगे, ज्ञान देते जाओगे, और जैसे जैसे ज्ञान देते जाओगे उसके अंदर संस्कार आते जाएंगे। कल जो है ये ज्ञान ये उसके अंदर में जब यथा प्रवृत्तिकरण करा दे, चरम यथा प्रवृत्तिकरण करा दे, अपूर्वकरण करा दे, ऐसे जीव का जिसका अब संसार ही अर्धपुद्गल परावर्तक काल बचा है, अगर उसको आप सब कुछ करा देते हो तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी, समझे कि नहीं, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये आपको पहले ही समझ लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर सबका कर्तव्य है सम्यक ज्ञान प्रदान करेंगे तब उसके लिए यथा प्रवृत्तिकरण, चरम यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, उसके लिए सारे निमित्त बनने संभव बनेंगे, नहीं तो नहीं बने, कोई चांस नहीं है फिर तो। ये पहले सबको सीखना है, सबको देखना है, ये अनिवार्य हो गया है उसके लिए, सबके लिए हमारा कर्तव्य। देखिए भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा, आप मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियों को कैसे क्षय करते हो वो आप देखें, आप उसी से जो है आपका धर्म होगा। अभी दूसरा कोई कर्म क्षय करने की बात ही मत करिए, अभी आप ज्ञानावर्णीय की, दर्शनावर्णीय की, अंतराय की, नाम गोत्राय कोई बात बीच में मत लाओ, पहले आप उसको सही ज्ञान देना शुरू करो सर, सम्यक ज्ञान, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान। हम सब यही कर रहे हैं, हम भी तो क्या कर रहे हैं, 8 साल 1.5 साल हो गया ये क्लासे चला चला करके, सीखा सीखा करके, हम सभी क्लासे चला करके आपको सम्यक ज्ञान ही तो प्रदान कर रहे, ताकि आप सम्यक ज्ञान को ले जा करके अब यथा प्रवृत्तिकरण करिए, अब चरम यथा प्रवृत्तिकरण करिए, अब अपूर्वकरण करिए, अब जा करके आप जो है अपनी तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अब हो रहा है नहीं हो रहा है ये अंदर के परिणाम की धारा की प्रक्रिया है, बट बिफोर दैट आपका आचरण तो करते ही जाइए, आचरण जो है बरोबर करते जाइए, आपको भी ख्याल आ जाएगा हाँ मुझे क्या आचरण करना है, हाँ जी मुझे कैसा आचरण करना है, किस प्रकार से आचरण करना है, आप खुद ही समझ जाओगे। आ रहा है ख्याल में आपको, बोलिए आज जरा यहाँ पर 9 बजे व्याख्यान है, एलिजाबेथ अभी कितने, हाँ 4-5 मिनट, चलो कोई तो डू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स हैविंग द क्वेश्चन, तो रेडिया जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ महाराज मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं सुबह उठ के कोई एक चीज का खाने का त्याग किया आज कि आज मैं ये चीज नहीं खाऊंगा तो वो मैं 5वां गुणस्थान में आ गया क्या? बिल्कुल आएंगे, हाँ जी आपने जो भी त्याग करो पचखंड से करो, और खाने का त्याग करने के पीछे आप 18 पाप स्थान का लिस्ट देखो, आज 18 पाप स्थान में से मैं कौन सा पाप आज नहीं करूंगा, एक दिन की तो बात है ना, आप खाने की चीज त्याग करते हो ना, अब चलिए करते करते एक कदम आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़ के 18 पाप में से आज मैं ये पाप नहीं करूंगा, आज सोमवार है मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मंगलवार है मान नहीं करूंगा, बुधवार है माया अच्छा। नहीं करूंगा, गुरुवार है लोभ नहीं करूंगा, शुक्रवार है राग नहीं करूंगा, शनिवार है द्वेष नहीं करूंगा, और संडे को तो झगड़ा करूंगा ही नहीं, कलह बार में कलह। चलो अब आपने एक दिन जलेबी नहीं खाऊंगा, गाठिया नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा,
अब नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा उससे ज्यादा इसमें आई। अच्छा, प्राइमरी लेवल का हो गया सर, प्राइमरी लेवल का। नहीं खाने से आपको क्या फर्क पड़ गया? क्या? हाँ, आपने त्याग के संस्कार बनाए, लेकिन अब द्रव्य त्याग से भाव त्याग में थोड़ा सा ऊपर उठ के आई। वो जितना आपने आज जो घर में बनाई नहीं है सर, आपने त्याग कर दिया कि मैं जलेबी नहीं खाऊंगा, रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, तो आपके घर में ना तो रसगुल्ला बन रहा है ना जलेबी बन रही है, ना ये आ रहा है ना वो आ रहा है, तो आपको कहाँ खाना है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल ऐसा लाइए कि जो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं काम आए। आज मुझे क्रोध नहीं करना है तो क्रोध नहीं करना है, मंडे को क्रोध नहीं करना है। अब फैमिली के अंदर वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पोते के साथ, किसी के साथ क्रोध का मौका आया, आपने अपने पक्षकार संभाल लिए सर, कैसे भी परिस्थिति आई। हाँ, आज मैंने क्या संकल्प किया, नहीं खाऊंगा, नहीं करना है, नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है महाराज, धीरे धीरे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Yes, very good. Parul Ben. Sahib ji, this is little different question. आपने अभी पूछा कि आपके फैमिली में कौन कौन सी स्टेज पे है वगैरह, सो रिलेटेड टू दैट, हाउ डू वी एक्सप्लेन टू आवर चिल्ड्रन अबाउट सम्यक दर्शन एंड नॉट फॉर सम्यक दर्शन। फॉर सम्यक दर्शन यू कैन प्रोवाइड द प्रॉपरली नॉलेज, बट फॉर द सम्यक चारित्र यू कैन गिव द आचरण, समझे? फॉर द गुड बिहेवियर, for the good acharan you can provide the good things you say. Sahib ji, jee sir, sahib ji, teen question hai but hamara time ho chuka hai, aapka next class hai, so wo jo bhi question hai, ha, already the papers are coming for the lecture today. Namo Shantanam, namo Siddhanam, namo Ariyanam, namo Vajjayanam, namo Noe Sabhasap, एसो पंच नमकानु सब पाप पनासम च सर्वे सिम परमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूले भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम परिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साम मंगलम केवली पन्नतोदम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतोदमो लोकोत्तम चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतोदमं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मान् जयनं जयति ये यात्रा करने के लिए कल जा रहा हूँ। बोलिए बोलिए साहिब जी, जो लेक्चर दे रहे हैं वो भी स्ट्रीम हो